हेलो स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज यूनिट नंबर 2 रीड नंबर 1। यूनिट नंबर 2 के रीड नंबर 2 और 3 ये दोनों हो चुके हैं। इनसे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस भी जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के होते हैं वो भी भेजे हैं और आंसर भी। ये जो चैप्टर था रीड नंबर 1 वो रह गया था, तो अब देख लेते हैं। टाइटल है ऑटोफैब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब तो आप जानते हैं, पर ये ऑटोफैब क्या है? तो ये जो ऑटोफैब है ये दो शब्दों से मिलके बना है और वो दो शब्द ये रहे, ऑटोफैब, ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन, उन दोनों से मिलकर बना है ऑटोफैब। अब ये है क्या? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये एक आर्टिकल के रूप में पब्लिश किया गया था, और जिस मैगज़ीन में इसको पब्लिश किया गया था उस मैगज़ीन का नाम द फ्यूचरिस्ट है। और ये जो मैगज़ीन, इसका जो वॉल्यूम था वो था 29 नंबर 3। ये 1995 में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था द फ्यूचरिस्ट मैगज़ीन में, तो ये बहुत पुराना आर्टिकल है, ठीक है। और मैं ये भी बता देता हूँ कि उस साल के किस महीने का ये एडिशन था, मई जून, ठीक है, मई जून 1995 का ये पब्लिकेशन और ये मैगज़ीन जो है द फ्यूचरिस्ट, उसमें ये पब्लिश हुआ था। इस आर्टिकल को लिखने वाले दो लोग थे, एक बर्न्स, ठीक है, और दूसरे मार्शल। तो ये कंट्रीब्यूटर्स थे इस आर्टिकल में। तो ये उस समय लिख दिया गया था, लेकिन आज भी आप अगर इस चैप्टर को, यानी इस आर्टिकल को पढ़ते हैं, तो आपको आज भी ऐसा लगेगा कि ये पहले भी एक फ्यूचरिस्टिक व्यू चैप्टर देता था, आर्टिकल देता था, और आज इस चैप्टर, इसको हम चैप्टर के रूप में पढ़ भी रहे हैं, तो भी एक फ्यूचरिस्टिक, एक विजनरी आइडिया आपको देता है ये कि फ्यूचर में और क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी आएगी। अभी तो ऑटोफैब टेक्नोलॉजी नाम दिया है और ऐसी टेक्नोलॉजी लोगों ने यूज़ भी शुरू कर दिया, ऐसा नहीं कहूँगा, कब से यूज़ करना शुरू हो चुका है, ये काफ़ी आगे तक हम इस टेक्नोलॉजी में पहुंच चुके हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, बाइक के पहले जो जो व्हील होते थे उसमें ऐसे स्पोक्स होते थे जो अभी भी साइकिल में देखने को, साइकिल के व्हील में देखने को मिलती है, पर अब बाइक के व्हील में आपको स्पोक्स देखने को नहीं मिलेंगे, उसको बोलते हैं अलॉय व्हील। इस तरह से बस तीन ही आप देख सकते हैं सपोर्ट के लिए स्टैंड मिलेंगे इसमें, और इस तरह से ये बाइक का जो व्हील है तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़बूत भी होता है, इसको अलॉय व्हील कहते हैं, ठीक है, अलॉय। आप साइंस के स्टूडेंट जल्दी समझ जाएंगे अलॉय किसे कहते हैं। अलॉय एक का मतलब है मिश्रित धातु, मतलब लोहे की सिर्फ चीज़ नहीं बनी है, लोहे में और भी कुछ मिलाया गया है जिससे कि उसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो और मज़बूत हो। तो जब भी धातुओं को मिश्रित करके कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसको अलॉय कहते हैं। तो ये जो अलॉय व्हील है ये भी ऑटोफैब टेक्नोलॉजी का ही एक एग्ज़ाम्पल है। आपको बता दूं अलॉय व्हील को आए 10 साल या 12 साल ही हुए हैं, और ये तो आप जानते हैं आर्टिकल कब लिखा गया था, 1995 में, यानी आज से लगभग 25 साल पहले ये आर्टिकल लिखा गया था। तब उन्होंने ऑटोफैब टेक्नोलॉजी जैसी ये टेक्नोलॉजी की कल्पना की थी, और शुरुआत भी हो चुकी थी उस समय भी, ठीक है, पर आज हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। देखते हैं आगे क्या है इसमें। इमेजिन योरसेल्फ इन अ कार शोरूम। इमेजिन कीजिए कि आप एक कार शोरूम में हैं। यू आर नॉट हैप्पी विद एनी मॉडल ऑफ कार्स इन द शोरूम,
और आप किसी भी कार के मॉडल से खुश नहीं हैं, आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, डिज़ाइन अच्छी नहीं लग रही है, जो कार के नमूने हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, मॉडल मतलब नमूने। नाउ यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर एंड क्रिएट योर ओन ड्रीम कार ऑन द स्क्रीन। अब आप कंप्यूटर पे काम कीजिए और आपकी जो सपनों की कार है उसको स्क्रीन पर क्रिएट कर दीजिए, उसकी रचना कर दीजिए। एंड मैजिक और जादू, नेक्स्ट वीक यू गेट डिलीवरी ऑफ अ कार फैब्रिकेटेड एग्जैक्टली लाइक योर डिज़ाइन। अगले ही वीक यू गेट डिलीवरी, आपको डिलीवरी मिल जाती है ऑफ अ कार, एक ऐसे कार की फैब्रिकेटेड जिसको बनाया गया है। यहाँ पे फैब्रिकेट करना मतलब बनाना, आपने सुना होगा फैब्रिकेशन का काम करते हैं, तो ये फैब्रिकेशन मतलब क्या, तो लोहे या ऐसी धातुओं की सोल्डरिंग करना, वेल्डिंग करना, उसमें से कुछ ना कुछ बनाना, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाना लोहे के या अलग धातु के, तो उसको फैब्रिकेट करना बोलते हैं। ठीक है, अब आपको मालूम है कि कार भी लोहे और भी तरह के धातुओं के मिश्रण से बनाई जाती है, तो फैब्रिकेटेड। तो यू गेट डिलीवरी ऑफ अ कार फैब्रिकेटेड एग्जैक्टली लाइक योर ड्रीम, बिल्कुल बनाई हुई होती है, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल वैसी बनाई होती है, लाइक योर सॉरी डिज़ाइन, लाइक योर डिज़ाइन मतलब जैसे आपने रचना की थी, आपने डिज़ाइन बनाई थी अपने सपनों की कार की स्क्रीन पर। सच मैजिक इज़ पॉसिबल थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन। ऐसा जो जादू है ये पॉसिबल है एक प्रक्रिया के दरमियान, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, नोन एज, जो कि जाना जाता है ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन, ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन के रूप में जाना जाता है। ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन या उसे आप कह लें ऑटो फैब इज़ अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़। ये टेक्नोलॉजीज़ का एक सेट है, कि ये एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ध्यान रहे इसमें कई टेक्नोलॉजी, मैंने आपको पहले भी बताया कि अब तो कहीं आगे बढ़ चुके हैं हम, टेक्नोलॉजी के बाद टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में से टेक्नोलॉजी, कई तरह की टेक्नोलॉजीज अब इसी ऑटो फैब फैब्रिकेशन में आ चुकी हैं। तो ये एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, पूरा सेट है ये। ठीक है, अब सेट मतलब क्या, सेट के कई मतलब होते हैं। यहाँ पर सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ का अगर आपको अर्थ समझना है, तो आप अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं और क्रिकेट के लिए जो भी आपको सेट चाहिए उसमें क्या होगा, उस सेट में क्या होगा, एक बैट, एक बॉल, या दो बैट दो बॉल जितने भी आपको रखने हैं, और उसके अलावा स्टंप चाहिए, उसके अलावा हेलमेट चाहिए, ठीक है, और जो भी कुछ होती हैं चीज़ें वो सब, वो पूरा एक सेट हो गया। ठीक है, दैट ऑटोमेट द प्रोसेस, जो कि प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। ठीक है, ऑटोमेट, ठीक है, यानी ऑटो का मतलब आप जानते हैं अपने आप, ठीक है, अपने आप उस प्रोसेस को वो करने लगता है। फॉर बिल्डिंग थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, तीन डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, कच्चे मटेरियल्स में से, कच्चे माल में से, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने हैं जो कि सॉलिड हो, सॉलिड का मतलब ठोस हो, और थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल का मतलब है 3D। जैसे 3D का मतलब क्या, अब सपोज़ कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स को आप देख रहे हैं तो आपको एक ही तरफ से दिख रहा है ये। अब इस बॉक्स को अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहें तो शायद ये बॉक्स कुछ इस तरह से भी दिखे आपको, ये दो डायमेंशन हो गए, और 3D डायमेंशन मतलब आप ये वाला हिस्सा, यहाँ का हिस्सा भी देख सकते हैं। तो इसको 3D डायमेंशनल, डायमेंशनल का मतलब होता है आयाम या आयाम वाला। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल मतलब तीन आयाम से सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं रॉ मटेरियल में से। दिस इंडस्ट्री यूजेस सॉलिडिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, इस इंडस्ट्री में पॉलीमर्स, पाउडर्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स का सॉलिडिफिकेशन यूज़ किया जाता है। सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है ठोस
बनाना। ठीक है, किसको ठोस बनाया जाता है? पॉलीमर्स को। पॉलीमर्स क्या है? तो पॉलीमर एक तरह का पदार्थ है, सब्सटेंस है, ठीक है, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। ये साइंस वाले पॉलीमर के बारे में जानते होंगे, ये केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट है। सबसे अच्छा उदाहरण इसमें से क्या बनाया जा सकता है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक जो होती हैं वो पॉलीमर में से बनते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिपीटेडली कोई प्रक्रिया होती है तो प्लास्टिक या ऐसी चीज़ें बनती हैं, तो वो पॉलीमर्स। ठीक है, तो पॉलीमर्स का, पाउडर का और रॉ मटेरियल्स का सॉलिडिफिकेशन किया जाता है, ठोस बनाया जाता है इस इंडस्ट्री में। और गाइडेड बाई, किसके द्वारा गाइड किया जाता है? गाइडेड बाई डिज़ाइन ड्रॉन ऑन ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स। जो सामान्य कंप्यूटर पर डिज़ाइन बनाई गई है, ड्रॉ की गई है, यानी चित्रित की गई है डिज़ाइंस, उनके द्वारा मार्गदर्शन पाकर, गाइडेंस पाकर ये इंडस्ट्री पॉलीमर्स का, पाउडर्स का और अदर रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चे माल का सॉलिडिफिकेशन यूज़ करती है, ठोस स्वरूप यूज़ करती है, तो ठोस बनाती है। नाउ इट विल बी पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू अक्वायर पावर्स टू मैनिपुलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इट विल बी लिखा है, देखो ये उस समय लिखा गया था, अब तो पॉसिबल है। ठीक है, इट विल बी यानी 1995 में लिखा गया था, इसलिए ऐसा सोचा गया। तो इट विल बी पॉसिबल, अब ये संभव हो जाएगा फॉर ह्यूमन बीइंग्स, इंसान के लिए, टू अक्वायर पावर्स, कि वो ताकत हासिल कर ले, ताकत प्राप्त कर ले, टू मैनिपुलेट, मैनिपुलेट मतलब बदलाव करना। ठीक है, कि वो बदलाव कर सके द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का मतलब, पदार्थ, के प्रॉपर्टीज़ में मतलब उसके गुणवत्ता में बदलाव कर सके। ठीक है, किसी भी तरह का पदार्थ, जैसे लोहा, अगर मान लो कोई भी एक मैटर ले लेते हैं, मैटर मतलब कोई भी एक पदार्थ ले लेते हैं, तो उसके प्रॉपर्टीज़ में मतलब उसकी गुणवत्ता में बदलाव करके आप कुछ और भी बना सकते हैं। अब ह्यूमन बीइंग के पास ये संभावना मतलब हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, उससे वो रिलेटेड शक्तियाँ प्राप्त कर लेंगे, जिससे वो मैनिपुलेट कर सके, बदलाव कर सके। ऑटोफैब इज़ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैन्युफैक्चरर्स टू सेटिस्फाई द यूनिक नीड्स ऑफ कस्टमर्स। ऑटोफैब क्रिएट कर रही है, पैदा कर रही है अपॉर्चुनिटीज़, अवसर पैदा कर रही है फॉर मैन्युफैक्चरर्स, जो उत्पादक हैं उनके लिए, टू सेटिस्फाई, जिससे कि वो सेटिस्फाई कर सके द यूनिक नीड्स ऑफ कस्टमर्स, ग्राहक की यूनिक, बेजोड़, अद्वितीय ज़रूरतें, ज़रूरतों को संतुष्ट कर सकें। ठीक है, फिर से, ऑटोफैब अब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, अपॉर्चुनिटी किसके लिए? फॉर मैन्युफैक्चरर्स, जिससे कि वो ग्राहकों के अद्वितीय या बेजोड़ ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सकें, संतुष्ट कर सकें, या आप कह सकते हैं ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इन्वाइटिंग द कस्टमर इन टू द डिज़ाइन, डिवेलपमेंट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस विल लीड टू अनएक्सपेक्टेड न्यू प्रोडक्ट्स। कस्टमर को भी डिज़ाइन, डिवेलपमेंट और प्रोडक्शन में इन्वाइट करने से, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वाइट करने से क्या होगा? विल लीड टू अनएक्सपेक्टेड न्यू प्रोडक्ट्स। क्या होगा आगे जाकर? लीड करना मतलब आगे जाना। ये ऐसा अगर आपने किया, कस्टमर को डिज़ाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वाइट किया, तो ये आपको ले जाएगा अनएक्सपेक्टेड न्यू प्रोडक्ट्स की तरफ। अनएक्सपेक्टेड न्यू प्रोडक्ट्स, आपने कभी सोचा नहीं था, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे उत्पादों की तरफ ले जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि कंपनी में जो भी लोग हैं वो अपने अपने विचार देंगे और, ठीक है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, लेकिन अगर कस्टमर अपना एक विचार देता है कि भाई मुझे ऐसी चीज़ बनवानी है, तो कंपनी को एक नया आइडिया मिल जा रहा है। उन्होंने शायद ऐसी चीज़ ना भी सोची हो, क्योंकि हर इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। ठीक है, इन ऑटोफैब द कस्टमर इज़ अ को कंस्ट्रक्टर। अब ऑटोफैब में कस्टमर को कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। कंस्ट्रक्टर का पहले मतलब क्या है वो समझ लीजिए। कंस्ट्रक्टर मतलब रचनाकार, रचना करने वाला, निर्माणकर्ता।
ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। तो उसको को कंस्ट्रक्टर कहा जाता है कस्टमर को, यानी सह निर्माता कहा जाता है या सह रचनाकार कहा जाता है, साथ साथ में वो भी रचना करता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने ही आखिर ये आइडिया दिया है कि मुझे इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, कंपनी तो उस पर काम करती है, आइडिया तो कस्टमर का होता है, इसलिए उसको भी को कंस्ट्रक्टर अब कहा जाता है ऑटो फैब में। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट लायबिलिटी, न्यू प्रोडक्ट नए उत्पाद की लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर विश्वसनीयता, ठीक है, कब तक टिकेगी, इस तरह की एक विश्वसनीयता जो है बनी रहे, तो नए प्रोडक्ट की विश्वसनीयता, अदर रिस्क, जो दूसरे रिस्क हैं, ठीक है, पेटेंट राइट्स मे बी शेयर्ड विद द कस्टमर्स, पेटेंट राइट्स भी कस्टमर के साथ शेयर किए जा सकते हैं, मे बी लिखा हुआ है। ठीक है, पेटेंट राइट्स का मतलब क्या? जब भी कोई नई चीज़ इन्वेंट होती है दुनिया में, जैसे बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हुई पहले से लेकर अभी तक, जैसे साइकिल है, बल्ब है, अभी हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, फ्रिज है, ये सब नई चीज़ नहीं है, लेकिन जब ये इन्वेंट हुई होगी और अगर किसी ने इसका पेटेंट राइट ले लिया होगा, पेटेंट राइट का मतलब ये होता है कि जिन्होंने इन्वेंट किया है ये गवर्नमेंट को अपना इन्वेंशन बताएंगे और वहाँ से फिर गवर्नमेंट या वहाँ की जो भी व्यवस्था होती है उसके हिसाब से उनको पेटेंट राइट मिल जाता है कि भाई ये जो खोज की है वो आपने ही की है और ये दूसरे बना सकते हैं आपसे सीख कर या आपसे परमिशन लेकर। अगर किसी कंपनी को इस प्रोडक्ट से जो आपने इन्वेंट किया है उससे अगर उसको फ़ायदा होता है तो आपके शर्तों के हिसाब से वो कंपनी आपको पेटेंट राइट देती है, पेटेंट राइट के बेस पर जो भी आपकी रॉयल्टी बनती है, यानी जो आपका हिस्सा बनता है वो आपको देगी। तो ये पेटेंट राइट का फ़ायदा होता है। पेटेंट राइट्स का मतलब अधिकार, राइट्स का मतलब यहाँ पर अधिकार। ठीक है, तो ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन विल हैव अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन का एक ड्रामेटिक, ड्रामेटिक का मतलब आप नाट्यात्मक भी कह सकते हैं और बड़ा भी कह सकते हैं, एक नाट्यात्मक इम्पैक्ट होगा, यानी बड़े पैमाने पर एक प्रभाव पड़ेगा सोसाइटी पर।